नमस्ते, मैं हूं विक्रम और मेरे ग्रीन ग्लूब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके पौधे को और भी अच्छा बनाने के लिए ग्रीन ग्लूब आपके साथ है। मैं आज बात करूंगी हिबिस्कस के पौधे के ऊपर। बेसिकली चार अलग अलग प्रकार की हिबिस्कस के पौधे मिलते हैं। नंबर वन, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। नंबर टू, हिबिस्कस सिजोपेटल्स। नंबर थ्री, हिबिस्कस मेटाबिलिस। नंबर फोर, हिबिस्कस सीरियाकस। मैं तो आज इस वीडियो में हिबिस्कस के पौधे को लगाने का सही तरीका बताऊंगी। आप इस पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो जरूरत होगा एक पॉट की। आप इस पौधे को मिट्टी में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो करना होगा वो है ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाना। उसके लिए आप एक टूटे हुए पॉट की टुकड़ा ले लीजिए। उस टुकड़े को ड्रेनेज होल के ऊपर सेट कर दीजिए। पॉट में कोई भी पौधे लगाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना तो जरूरी है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को और भी अच्छा करने के लिए आप कोकोपीट नीचे से आप 2 या 3 इंच तक भर दीजिए। आप इस कोकोपीट के बदले में सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तो मैं बात करूंगी मिट्टी के बारे में। हिबिस्कस के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए 50% गार्डन सोयल, 40% भार्मी कंपोस्ट। आपके पास भार्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होगा 10% बोन मील। आपके पास बोन मील नहीं है तो आप उसके बदले स्टेरामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिबिस्कस के पौधे तो नर्सरी में बहुत सस्ते में मिलते हैं। 50 रुपीज़ में ही आपको हिबिस्कस के अच्छे पौधे मिल जाएगा। तो देर किस बात की, ले आइए इस पौधे को और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाइए। पॉट की जो ड्रेनेज होल है वह से आप लकड़ी के सहारे पुश करिए, आसानी से निकल कर आएगा ये पौधे। पौधे निकालने के समय आपको सावधानी जरूर रखना चाहिए, नहीं तो रूट भी डैमेज हो सकते हैं। रूट डैमेज तो पौधे के लिए अच्छा नहीं होगा। पौधे लगाने के पहले पॉट में मिट्टी का एक लेयर बनाना होगा। उसके बाद पॉट की सेंटर में पौधे को फिक्स्ड कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। पॉट में मिट्टी को भर देने के बाद मिट्टी में एयर ना रह जाए इसलिए हाथ से पुश करिए। मिट्टी में एयर रह जाए तो रूट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये है मेरा हिबिस्कस के दूसरा पौधे। ये पौधे तो प्लास्टिक की ग्रो बैग में है। कोई लोग तो ऐसे हैं वो प्लास्टिक ग्रो बैग के साथ ही पौधे को लगा देते हैं। आपको तो पौधे लगाने के पहले प्लास्टिक ग्रो बैग को निकाल लेना होगा। प्लास्टिक ग्रो बैग को काट करके पौधे निकालना तो सबसे आसान होते हैं, लेकिन मैं कभी भी प्लास्टिक ग्रो बैग को काट नहीं करती हूँ। आप ऐसे करके भी पौधे को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं प्लास्टिक ग्रो बैग को काट क्यों नहीं करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। प्लास्टिक बैग को काट करने के बाद ही वो तो कोई काम की नहीं रहेगा और वो प्लास्टिक परिवेश को दूषित करेगा। पौधे लगाने के साथ ही तो मेरा गार्डन खूबसूरत बन जाएगा, लेकिन प्लास्टिक प्रकृति के लिए हानिकारक साबित होगा। प्लास्टिक ग्रो बैग को आप ऐसे निकाल सकते हैं तो उसमें और भी छोटे छोटे पौधे आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए फायदा ही होगा ना।
मैं तो इसी तरह से बहुत सारा हिबिस्कस के पौधे लगा लिए हैं, और आप भी हिबिस्कस के पौधे लगाइए। हिबिस्कस के पौधे लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीस इन्वेस्ट करना होगा। उसके बदले में ये पौधे साल भर तक आपको फ्लावर्स देगा। मेरे पास तो लगभग 25 अलग अलग कलर की हिबिस्कस के पौधे हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं मेरे हिबिस्कस के कलेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो वीडियो आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए। अब तो मैं बात करूंगी पानी और इस पौधे को आप कहाँ रखें। हिबिस्कस के पौधे ज़्यादा पानी पसंद करते हैं और ज़्यादा धूप भी, इसलिए इस पौधे को आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए और इस पौधे को फुल सनलाइट में रखिए। इसको शेडेड या सेमी शेडेड एरिया में नहीं रखना है। अब मैं बात करूँगी मिली बग्स के ऊपर। मिली बग्स तो इस पौधे में ज़्यादा अटैक करते हैं। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, आप 1 लीटर वाटर के साथ 1 चम्मच डिटर्जेंट ऐड कर लीजिए, उसके बाद पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और पौधे के ऊपर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।